हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, डेली आपके लिए लेके आते हैं बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट। और मेरे साथ हैं आज एक बहुत खास आदमी, ANDT के डायरेक्टर, जो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सर बताइए अपने बारे में कुछ। मैं सिद्धार्थ, ANDT का संस्थापक। ANDT में हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। तो अभी हम मेनली बात करते हैं मैकेनिकल कैंडिडेट्स के बारे में। कंपनी, आपकी कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता बताइए। मैं भी जानता हूँ, पूरे इंडिया जानती है आपकी कंपनी के बारे में। टाटा स्टील आरामको सर्टिफिकेशन आपका 56 वैकेंसी का रिक्रूटमेंट निकालता है। और किसको बोलता है? ANDT को बोलता है। मतलब टाटा स्टील तक जानता है कि अगर मेरे को बढ़िया बंदे चाहिए तो मेरे को ANDT जाना पड़ेगा। तो आप मेरे को बताइए कि आप इस लेवल तक कैसे पहुंचे। 12th के बाद आपने कैसा BTech किया, आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद आपकी जर्नी क्या रही, आप क्या स्ट्रगल की हो? देखिए, मैकेनिकल लाइन ऐसी है, इसमें स्ट्रगल किए बिना ग्रोथ एकदम इम्पॉसिबल वाली चीज है। तो मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद बेस लेवल पे जॉब किया, जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फिर धीरे धीरे छोटे मोटे प्रोजेक्ट लिया और प्रोजेक्ट लेके धीरे धीरे फिर अपना कंपनी स्टार्ट किया 2016 में ANDT। और ये स्टार्ट किया था हमने ग्रेटर नोएडा लोकेशन से, हमारा एक छोटा सा ऑफिस था। उसके बाद फिर मुंबई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, फिर केरला, देन बैंगलोर, स्पेन, नाइजीरिया, कतर, एंड नाउ वी आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन अंगोला। आप तो डरा दे रहे हो। और मैं आपको सुना हूं कि आप कुछ अमेरिकन सोसाइटी से भी आए, कुछ लिंक है आपका, आपके इंस्टीट्यूट का कुछ, वो बताइए थोड़ा क्या है वो। द सर्टिफिकेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग, दीस सर्टिफिकेशंस आर फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसे कि हम ASMT नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं NDT के, ये ASMT के होते हैं, ये अमेरिकन सोसाइटी के होते हैं। और वहां के सर्टिफिकेशन दुनिया जहां में हर जगह वैल्यू रखते हैं। इवन अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज की बात करेंगे, आप बात करते हैं इंडियन आर्मी की, नेवी की, डिफेंस की, रेलवे की, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को ANDT भेजती हैं ASMT NDT सर्टिफिकेशन कराने के लिए। तो मतलब सरकार भी आपके ऊपर एक प्रकार से निर्भर हो चुकी है आज की डेट में। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे निर्भर हो चुकी है, लेकिन हाँ, वो सर्टिफिकेशन कराने के लिए अपने एम्प्लॉयज को ANDT भेजते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन पाने के बाद उनको क्या फायदा होता है सर? देखिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, हर चीज का एक बेंचमार्क होता है। तो अगर किसी को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना है, NDT करना है, तो NDT करने के लिए हम कैसे मानेंगे कि उसके पास वो स्किल है कि वो NDT करेगा, प्रॉपर करेगा? तो अमेरिकन सोसाइटी ने एक बेंचमार्क बना रखा है कि अगर किसी ने ASMT NDT लेवल 2 कर रखा है तो NDT टेस्टिंग करने के लिए सर्टिफाइड कैंडिडेट है। दोस्तों, NDT का फुल फॉर्म बता देता हूँ, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है, अगर किसी को नहीं पता है। तो वैसे तो मेरे सारे मतलब मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स को तो ये पता ही होगा। तो सर, ये जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेस का ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? ये जो कोर्सेस है, इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के हो गए या एडवांस सर्टिफिकेशन मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, लेवल 2 का हो गया, लेवल 2 के बाद लेवल 3 भी आप कराते हैं। और सुनने में आ रहा है कि भैया आप वो कौन सा बता रहे थे, आप जर्मनी में जिसका एग्जाम की फीस 1.5 लाख रुपए कुछ होती है, यूके अंदर। क्या कौन सा एग्जाम होता है सर वो? CSWIP। क्या क्या क्या? सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स। अच्छा सर, ये CSWIP ऐसा एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर कोर्स है जिसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं। प्रिपरेशन कराने के बाद इसका जो एग्जामिनेशन फीस होता है, एग्जामिनेशन फीस इज 1,33,000। तो ये वहां जाके एग्जाम देना पड़ता है? नहीं, एग्जाम आप हमारे सेंटर पे भी दे सकते हैं। हम एग्जामिनर को अपने सेंटर पे बुलाते हैं, एग्जामिनर हमारे सेंटर पे आते हैं और हमारे सेंटर पे आके एग्जाम लेते हैं। अच्छा, और इसके बाद अगर फीस इतनी है एग्जाम की, तो फिर प्लेसमेंट तो बहुत बढ़िया मिलता होगा, डायरेक्ट लग जाते होंगे अपने लोगों की। देखिए, ये आप सोच रहे हैं कि 1.5 लाख का एग्जाम है, मतलब एग्जाम में फेल हुआ तो 1.5 लाख रुपया गया। ओके, बट इस कोर्स में जॉब की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? और फिर भी लोग हमारे पास आते हैं कोर्स करने के लिए, बिकॉज इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, बट हम हर चीज की गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा, गारंटी हम देते हैं फ्रेशर कैंडिडेट को। जो फ्रेशर है वो आए हमारे यहाँ,
एक महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करे, एक महीने के अंदर वो जॉब पे भी जाएगा। और सर अगर हम ये वाले प्रोग्राम की बात करें जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का जो भी हमने प्रोग्राम निकाला है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी आया, तो इसमें भी देखिए 10 में से 10 तो ऐसे नहीं हो सकते कि पूरे तरीके से सिंसियर हो, कुछ एक तो रहते ही हैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो कितने परसेंट चांसेस रहेंगे, मतलब 80% लोगों के प्लेसमेंट के चांसेस है, 100% चांसेस है, कितने परसेंट आपके हिसाब से चांसेस रहेंगे लोगों के प्लेसमेंट? देखिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको प्लेसमेंट मिलेगा, जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है उनको प्लेसमेंट कैसे मिल सकता है? कोई भी कंपनी है अगर रिक्रूटमेंट करती है तो ये देखती है कि जो कैंडिडेट को हायर कर रही है उस कैंडिडेट के अंदर सर्टेन स्किल्स, सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जी सर। ओके, तो अगर कोई मेहनती कैंडिडेट है, कोई हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है, कोई ऐसा है जो एफर्ट लगाना जानता है, तो उसको स्किल्स हम इम्पार्ट करेंगे उसके अंदर। ओके, जब उसके अंदर स्किल्स आ जाएंगी तो जॉब लगेगा ही लगेगा उसका, बट अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो उसके लिए। अच्छा, मैं एएनडीटी की वेबसाइट में देखा करियर सेक्शन में जाके, तो बहरीन में जॉब निकली हुई है, और इसके अलावा टाटा स्टील ने तो आपके साथ जुड़ के ही 56 पोस्ट निकाली हुई है। अच्छा, उसमें मैंने एक खास चीज देखा, अरामको सर्टिफिकेशन, तो क्या ये अरामको सर्टिफिकेशन भी आप करवाएंगे? क्योंकि अरामको सऊदी सर्टिफिकेशन का मैं जितना सुना हूँ महत्व अच्छा खासा है। देखिए सऊदी अरामको सर्टिफिकेशन की जो बात है तो इसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं। ओके, वी प्रोवाइड प्रिपरेटरी क्लासेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, तो उसमें से एक आ जाता है हमारा सऊदी अरामको सर्टिफिकेशन, तो इसकी हम प्रिपरेशन कराते हैं। फिर ASNT NDT लेवल 2, ये भी अमेरिकन सोसाइटी का है, लेवल 2 हम कराते हैं इधर ही, सर्टिफिकेशन भी हम देंगे। लेवल 3 की हम प्रिपरेशन कराएंगे, एग्जामिनेशन ASNT डायरेक्ट लेगा। फिर आपका आ जाता है CHWIP, जिसकी आपने भी बात किया, सर्टिफाइड बिल्डिंग इंस्पेक्टर। पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं आपको। ओके, हाँ, ये बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स है, बहुत लोग करते हैं, जिनको थोड़ा भी पता है कि ये सिर्फ कोर्स करके मैं ग्रो कर सकता हूँ वो इसे करना चाहते हैं। फिर इसी तरीके से API सर्टिफिकेशन है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन की तरफ से, तो वो सर्टिफिकेशन के प्रिपरेशन कराते हैं। उसकी एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो उसका एग्जामिनेशन फीस अगेन फिर हमारा 1 लाख के आसपास रहता है, इंडियन रुपीज में सिर्फ एग्जामिनेशन फीस 1 लाख के आसपास है उसका। और इस तरीके से क्या बहुत टफ होता है क्या एग्जाम, बहुत टेक्निकल होता है या नॉन टेक्निकल, किस तरीके का होता है एग्जाम, कुछ आइडिया? देखिए जब तक आप कोई चीज नहीं करते हैं तब तक वो चीज आपके लिए टफ है, बट जब आप कोई चीज करते हैं तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है। तो हमें ये नहीं सोचना कि ये 1 लाख रुपए का एग्जाम है या 3 लाख रुपए का एग्जाम है तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर करने आ रहे हैं तो हम सबसे पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद मॉक एग्जामिनेशन लेते हैं। मॉक एग्जाम में जब कैंडिडेट 90% मार्क्स 3 बार 4 बार 5 बार लेके आता है तब हम उसको कहते हैं अब फाइनल एग्जाम लिखो, तो उस केस में फेल होने की चांसेस बचते ही नहीं है, हर कैंडिडेट इजीली पास करता है। अच्छा, टाटा पावर तो आपके साथ जुड़ा, टाटा प्रोजेक्ट सॉरी पावर भी जुड़ सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जो आप काम करा रहे हो पावर सेक्टर में भी, क्योंकि मैं खुद पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, एलॉय स्टील हो, प्लेन कार्बन स्टील हो, हम लोग को सब चेक करना पड़ता है, T10, P20, T10, तो हमको भी चेक करना पड़ता है 100% क्रोमियम है, क्योंकि बॉयलर में जहाँ प्रेशर बहुत हाई रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, वहाँ अलग तरीके का स्टील का यूज होता है, तो हर सेक्टर में आपका जो कोर्सेस है वो काम आते हैं। तो मेन बताइए मेरे को कौन कौन सी कंपनी आपके साथ इस बार जुड़ने वाली है और हायरिंग करने वाली है? देखिए ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज हैं, कंपनीज के नाम तो नहीं लूंगा, कंपनीज तो बहुत सारी हैं। ओके, हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। हाँ, इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में मेन इंडस्ट्री की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रहता है और जो हम कैंडिडेट्स को रेफर करती हैं, दैट इज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, रिफाइनरी। फिर आपका आ जाता है थर्मल पावर प्लांट, जैसे आपका NTPC हो गया जी। हम बात करें दिल्ली NCR से पास में तो दादरी में है NTPC, इरेक्शन में बहुत काम आता है, बिल्कुल काम आता है, इरेक्शन में काम आएगा। फिर फैब्रिकेशन, जहां पे भी हैवी इंजीनियरिंग है, फैब्रिकेशन का काम है, वहां NDT का बहुत यूज है, जैसे क्रशर मशीन बनाना, बिल्कुल कोई भी बड़ा इक्विपमेंट बना रहे हैं, कोई भी बड़ा मैकेनिकल इक्विपमेंट बना रहे हैं, वहां NDT आएगा ही आएगा।
जहां वेल्डिंग है वहां एनडीटी आएगा ही आएगा, ओके। फिर रेलवेज हो गया आपका, देन डिफेंस है, एरोस्पेस है, ओके। ये सारे मेजर सेक्टर हैं जहां पे हम लोग डील करते हैं, जहां पे हमारे कैंडिडेट लोग अपना करियर बना सकते हैं एनडीटी और क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन करने के बाद में। सीट्स इतनी लो क्यों है? 100 सीट्स आप बस रखे हुए हैं हर एक सर्टिफिकेट के लिए, इतनी लो क्यों है? देखिए 100 सीट्स हमने रखी है मेन कैंपस में, जो हमारा बड़ा कैंपस है पंजाब का। बाकी जो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उसमें हमने 10 से 15 सीट ही रखी हुई है। मतलब इतना कम क्यों? आप मतलब हम क्या अवेयरनेस नहीं अभी भी स्टूडेंट्स में? देखिए स्टूडेंट्स में अवेयरनेस है, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई बल्क में बैठा लिया और कैंडिडेट को हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। अच्छा, अगर क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो हम क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। जैसे बल्क में लोग गेट का एग्जाम देते हैं लेकिन उतने बल्क में पीएसयू में पहुंच नहीं पाते, वैसे बल्क में लोग यूपीएससी देते हैं पहुंच नहीं पाते, 1% 2% लोग का सिलेक्शन होता। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैं उस बंदे को ही लूंगा या फिर उतने बंदे को लूंगा जितना को मैं सर्विस अपनी बेस्ट प्रोवाइड कर सकूं। एग्जैक्टली। और जो कंपनीज आपके साथ जुड़ रही हैं या फिर आने वाले समय में जुड़ेंगी, उन कंपनीज को आपसे तो फायदा हो ही जाएगा स्टूडेंट्स के लिए इस मामले में, क्योंकि स्टूडेंट्स चाहता है भैया, क्योंकि पीएसयू 56,100 प्लस टीएडीए एचआरए 80,000 पड़ जाता है, सीटीसी 16 लाख पर एनम हो जाता है, तो क्या उसको उतनी सैलरी मिलेगी? अच्छा आप बात कर रहे हैं, आपने पीएसयू की बात की, पीएसयू क्या सैलरी देती है? 16 लाख सीटीसी रहता है, गेट के थ्रू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करिए। उसके बाद भी सर सुनिए, उसके बाद भी वो एक साल के पहले ट्रेनिंग करवाएगी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो जाए, पहले एक साल की ट्रेनिंग फिर प्रोबेशन पीरियड एक साल का, उसके बाद जाके आपका वो 16 लाख सीटीसी बनता है। आप एक महीने की सैलरी में बात करते हैं, हम लाख पे नहीं जाते, ओके। आप बताओ एक महीने में कितनी सैलरी मिलती है? अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम पे, तो टीएडी एचआरए नए भी मिले तो 56,100। एक साल के बाद कितना मिलेगा? अब वही कर लीजिए सर आप, 8-9 लाख पर मंथ सैलरी एक साल बाद। अगर वो ट्रेनिंग खत्म कर लेता अपनी और प्रोबेशन पीरियड में पहुंच जाता है तो उसको फिर बढ़ जाएगा 10% इंक्रीमेंट उसका हो जाएगा, अंदाजे से 70,000। हाँ, एक साल बाद फिर, एक साल बाद फिर उसको टीएडी एचआरए मिलने लग जाएगा। तो बार्क का अगर मैं एग्जांपल लू तो 90,000 से 1,06,000 रुपए महीना बार्क में हो जाता है, अगर आपकी परमानेंट नौकरी बार्क में लग जाती है तो। अगर लग जाती है, अगर लग जाती है तो। अब बार्क का इंटरव्यू निकालना कितना टफ है वो तो सभी जानते हैं। अब आप कोई भी ग्रेजुएशन बंदा, कोई भी इंजीनियरिंग का बंदा आप हमारे यहाँ भेजिए, उसको जैसे ही पास कर रहा है उसको हम कराएंगे एनडीटी लेवल 2 एंड क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन। 1 से 2 महीने में ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक साल कैंडिडेट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन करेगा, एक साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उनको हम कराते हैं एएसएनटी एनडीटी लेवल 3। उसके बाद मिनिमम सैलरी उनको जो इंडिया में मिलती है दैट इज 80,000 रुपीज पर मंथ। ये इंडिया की मिनिमम सैलरी, ये इंडिया की मिनिमम सैलरी है। अगर कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर करता है तो उसे 1.5 लाख 2 लाख कुछ भी मिलेगा। अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता, उसने सिर्फ एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 कर लिया, तब उसको मिनिमम सैलरी 80,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी। अभी बिना कोई गेट का एग्जाम क्लियर किए, बिना कोई गेट का एग्जाम दिए हुए, सिर्फ एक साल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 करना है, बस। इज एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल। तो सर आप ये यूनिक चीज, मैंने तो इससे, मैं 2017 से जॉब अपडेट दे रहा हूँ, तो 2017 से अब 2023 में मेरे को पहली बार ऐसा कोई नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखने को मिला जहां लिखा हुआ था कि एंट्रेंस एग्जाम फॉर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। तो ये विचार या फिर ये यूनिक चीज कैसे आपके दिमाग में आई कि, और आपने कब से शुरू किया? क्या ये अभी शुरू किया है कि आपने बहुत पहले से शुरू किया हुआ है? देखिए ये चीज तो शुरू हो चुकी थी 2016 से ही। अच्छा, 2016 से। और जो ये एंट्रेंस एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, ये हमारा कोलैबोरेशन हुआ है NISST के साथ, ओके।
और इसके बाद हमने इसे मास लेवल पे निकाला है पहली बार, जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हम एडमिशन ले रहे हैं। बाकी इससे पहले हम लोग अपने सेंटर्स में, हमारे इंडिया में 6 जगह सेंटर्स हैं, इससे पहले उन सारे सेंटर्स में हम ये सारे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जहां पे कैंडिडेट लोग आते हैं, पढ़ते हैं और जॉब लेते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, NISST का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्किल टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, आप अगर इतने समय से ये काम करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों की आप जॉब लगवा भी चुके होंगे इंडिया में और फॉरेन में भी, तो बताइए कुछ कहां कहां पे जॉब लगी आपके स्टूडेंट्स की, और इंडिया में बाहर में थोड़ा कुछ आइडिया कुछ मिल जाए। ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज है, हर कंट्रीज में हमारे कैंडिडेट मिलेंगे। अगर आप कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप यूके लंदन की बात करते हैं, उधर है, बर्मिंघम की बात करते हैं, उधर है, हर जगह हमारे कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। और आने वाले समय में तो और पहुंचने वाले हैं। अब देखिए ऑलरेडी है, बस नेटवर्क बढ़ता जाएगा, जितना टाइम बढ़ेगा नेटवर्क बढ़ेगा, एलुमनाई बढ़ेगा। सर ये 4 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है, क्या बहुत मुश्किल होने वाला है क्या इसमें कुछ? देखिए मुश्किल उसके लिए है जो एग्जाम नहीं दे रहा है। जिसने फॉर्म भर दिया है एंट्रेंस एग्जाम का, हाँ, तो उसको सिलेबस भी मिल गया है। ठीक है, सिलेबस सिर्फ 10th लेवल का है, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। ठीक है सर, जो कि अगर आप करने बैठेंगे, मैं करने बैठेंगे, तो जो 100 क्वेश्चन 60 मिनट दे रखा है, मैं तो उसे 40 मिनट या 35 मिनट में भी करके खत्म कर दूंगा। अच्छा सर, ओके, आप करने बैठेंगे आप भी इजीली उसे खत्म कर सकते हैं। तो जो लोग डरे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं निकल रहा उनका एग्जाम, ये आप एंट्रेंस एग्जाम दो। अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की है तो एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की भी पूरी पूरी चांसेस है कि आपको अच्छे से स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके, और स्कॉलरशिप कितनी, 10 बच्चों को हम 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसके बाद 5 बच्चों को 80% स्कॉलरशिप दी जा रही है, फिर 5 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप दी जा रही है। सर काउंसलिंग जब होगी तो आप मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपीरियंस होगा, कौन से सर्टिफिकेट कोर्स की सीट सबसे पहले फुल होती है? सबसे हाई डिमांड में क्या है? अगर डिमांड की बात की जाए और हम बात करें वैल्यू ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ टाइम की, तो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेशन जो निकल के आ रहा है वो एडवांस सर्टिफिकेशन इन इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी का निकल के आ रहा है। अच्छा, इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी, उसमें मेरे ख्याल से एनडीटी लेवल 2 इंक्लूडेड है ना? उस कोर्स में ASNT एनडीटी लेवल 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। खाली चाहे बंदा तो एनडीटी लेवल 2 खाली भी कर सकता है, अगर खाली चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो काउंसलिंग में सबसे पहले सीट मतलब अपनी जो हाईएस्ट डिमांड में रहती है वो इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग में रहती है, वो इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी कोर्स की रही। अब मैं एक एक करके ना ब्रांच वाइज पूछूंगा सर, मैकेनिकल के लिए बेस्ट बताइए कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स सर? देखिए 70% सर्टिफिकेशन जो है वो मैकेनिकल के लिए बेस्ट है। अगर मुझे खुद एग्जाम देना होता, मुझे चूज करना होता, तो मैं तो कोशिश करता कि मुझे 7 के 7 मिल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, मैंने वीडियो भी बनाया तो कुछ लड़के लोग का कमेंट आया कि क्या मैं एक साथ 2 सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता हूँ आपके पास से? देखिए इसमें ये प्राविधान है कि आप एक से ज्यादा सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, बट आपका कितना रैंकिंग आएगा उसके हिसाब से आपको कोर्स अलॉट किए जाएंगे। तो जितने कोर्स आपके स्क्रीन पे दिखेंगे आप उतने कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि आप सारे कोर्स क्लासरूम मोड में करें, कुछ कोर्सेज आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं, इसलिए आप मल्टीपल कोर्सेज ले सकते हैं। एक कंप्यूटर साइंस की बहन का मेरे पास बहुत अच्छा कमेंट आया था कि इंजीनियरिंग डिजाइन का जो सर्टिफिकेशन है मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुझे को समझ में नहीं आ रहा कि इंजीनियरिंग डिजाइन सर्टिफिकेशन कोर्स जो है इसमें आखिर आप पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ऑटो कैट, कैटिया, प्रोई सब चीज है, तो इसमें आप के इंजीनियरिंग डिजाइन के सर्टिफिकेशन में जॉब ओरिएंटेड कोर्स में इसमें क्या अलग है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ये कोर्सेज आपको हर जगह अवेलेबल मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोर्सेज सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है। बट हमारे यहाँ क्या खास है, ये जॉब ओरिएंटेड कैसे बना,
आज का टाइम है एआई बेस्ड, ठीक है सर। ओके, तो हम हर कोर्स में आपको एआई बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो आपका 2 घंटे का काम है वो आप आधे घंटे में कर सकें। ओके, तो जितने भी कोर्सेज हैं, हर एक कोर्सेज को हम एआई बेस्ड लर्निंग मॉडल में लेके आ रहे हैं और आपके काम को आसान बनाएंगे, जिससे कि आप अपनी सैलरी, आप 10% 20% इंक्रीज नहीं कर सके, आप अपनी सैलरी मल्टीप्लाई कर सके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लड़के लोगों ने पूछा कि अगर मैं हाइब्रिड मोड लेता हूं तो कितने समय के लिए मेरे को इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा। मतलब मैं अगर मान लो कोर्स 6 महीने का है तो क्या 5 महीने ऑनलाइन होगा, 1 महीने इंस्टीट्यूट आके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, या 3 महीने ऑनलाइन होगा, या अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग क्राइटेरियाज है, इस बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं? देखिए, जितने भी हमारे ASNT NDT लेवल 2 कोर्सेज हैं, इसमें आपको ऑफलाइन प्रैक्टिकल करना कंपलसरी है। ऑफलाइन प्रैक्टिकल मतलब आके क्लासरूम में प्रैक्टिकल। एक बार बता दीजिए फिर से कि आपके क्लासरूम कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से सिटीज में इंडिया के, एक बार फिर से बता दीजिए। देखिये, जो फीस दी हुई है, इस फीस पे जो आपको 4000 में कोर्सेज मिल रहे हैं, 5000 में कोर्सेज मिल रहे हैं, इस फीस में अगर आपको करना है तो आपको मेन कैंपस आना होगा, NISST कैंपस आना होगा। अगर आप बाकी कैंपस चूज करते हैं, ग्रेटर नोएडा चूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो कोर्स आपको वहां पे 6000 का मिल रहा है, वही कोर्स की उसी कोर्स के लिए आपको यहां पे 33500 प्लस 18% GST पे करना रहेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन कोर्सेज के लिए अगर आपको ऑफलाइन कोर्सेज लेनी है तो आप NISST कैंपस जाएं, जिससे आपको इतनी भारी फीस ना देनी पड़े, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में आपको सर्टिफिकेशन मिल पाए। NISST, अगर मैं ANDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन के लिए, चलो मैं एंट्रेंस एग्जाम भी दे देता हूँ और मैं आने के लिए भी तैयार हूँ, तो एकोमोडेशन वगैरह मेरा, खाना पीना वगैरह मेरा? देखिए, हमारे पास एकोमोडेशन अवेलेबल है, एकोमोडेशन अलॉट किया जाएगा चार्जेबल बेसिस पे। ओके, इसका क्या चार्ज रखा जाएगा ये आपको काउंसलिंग में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अभी इसके बारे में हम आपको कोई सूचना नहीं दे पाएंगे। सर, इस तरीके के और भी, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, तो इस तरीके के जैसे सऊदी अरब को सर्टिफिकेशन हो गया, और इस तरीके के कुछ और मैकेनिकल इंजीनियर्स के कुछ वैल्यूएबल सर्टिफिकेट जो जॉब ओरिएंटेड हों, भले आपको थोड़ा टाइम लग जाए वो चीज अपने इंस्टीट्यूट में लाने में या फिर कर, लेकिन हम अवेयरनेस तो दे ही सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके की और कौन कौन सी चीजें हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर पास आउट होके डायरेक्ट ये 6-8 महीने का सर्टिफिकेट लेके स्किल डेवलप करके नौकरी में जा सकता है, चाहे वो बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो या PSU हो। देखिए, कुछ और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, जैसे कि इराटा रोप एक्सेस सर्टिफिकेशन। सर, फुल फॉर्म भी बताते जाइएगा, इराटा मतलब क्या होता है? देखिए, इराटा इज अ सर्टिफिकेशन बॉडी फ्रॉम UK लंदन। ओके, वो UK की, यूनाइटेड किंगडम की एक सर्टिफिकेशन बॉडी है जो कि रोप एक्सेस पीपल को सर्टिफाई करती है एट इंटरनेशनल लेवल। मतलब आपने देखा होगा कि रस्सी से लटक के लोग ग्लास क्लीनिंग करते हैं, या अगर कोई रिपेयर करने का काम है वो करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इस तरीके के टास्क आपने देखे होंगे। ओके, तो इस तरीके के टास्क करने के लिए कोई रस्सी से लटक रहा है तो इट इज वेरी रिस्की। बिल्कुल सर, तो इसका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इराटा, जो कि UK से गवर्न होता है, तो वहां से जिसके पास सर्टिफिकेशन है वही प्रोफेशनल इस काम को करने के लिए ऑथराइज्ड है। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 5 डेज की, 6ठे दिन इसका इंटरनल असेसमेंट होता है, और 7वें दिन इसका फाइनल एग्जाम होता है, जो कि इराटा का लेवल 3 एग्जामिनर खुद से आके एग्जाम लेता है। इसके अलावा और सर? और बाकी हमारे पास AWS सर्टिफिकेशन है, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी से सर्टिफिकेशन है, फिर इस तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, NACE सर्टिफिकेशन है, BGAS सर्टिफिकेशन है, दीज सर्टिफिकेशन फॉर पेंटिंग इंस्पेक्टर कोर्स, कोटिंग इंस्पेक्टर कोर्स, इस तरीके से एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। तो अगर कोई बंदा चाहे आपसे डायरेक्ट बात करना अपने फ्यूचर्स से रिलेटेड, या फिर आपसे गाइडेंस लेना, तो क्या वो डायरेक्ट आपसे गाइडेंस ले सकता है, बात कर सकता है क्या? बिल्कुल, हमारी वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे
आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे काउंसलर आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले आपको अपने बारे में जितनी चीजें बता सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें आपको अपनी इनपुट देना है, तब आपके पास्ट के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से आपके लिए जो सर्टिफिकेशन बेस्ट है वो सर्टिफिकेशन आपको गाइड किया जाएगा। आपका करियर पाथ बनाया जाएगा कि आपसे एक साल बाद क्या करना है, आपको दो साल बाद क्या करना है और तीन साल बाद क्या करना है। तो इस तरीके से हम पूरा करियर पाथ क्रिएट करते हैं जिससे कैंडिडेट ग्रो कर सके और अपने करियर में एक रिमार्केबल पोजीशन पा सके। सर बस अब ज्यादा टाइम तो मैं आपका लूंगा नहीं क्योंकि आप भी बहुत बिजी हैं, काम में व्यस्त, इतना ही आपने टाइम दे दिया वही मेरे लिए बहुत है। सर कल मेरे को आप लैब में लेके जाके करके दिखाएंगे पूरा चीजें, मतलब आपको नहीं बोल रहा, आपके जो लैब में जो असिस्टेंट हैं वो कल मेरे को सब चीज करके दिखाएंगे, हर एक मशीन में प्रैक्टिकली मेरे को करके, मतलब इतना कि बच्चे को एक आइडिया हो जाए कि इसमें क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि कल मैं खुद सर के साथ निस्ट जा रहा हूँ, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, कल चलते हैं हर मशीन देखते हैं प्रैक्टिकली और उस कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने आपको जरूर मिलेगा। 31 दिसंबर ना सर? 31 दिसंबर, इसके बाद एक साल तक कोई मौका नहीं मिलेगा। देखिए एक साल नहीं, 6 महीने तक कोई मौका नहीं है, 6 महीने बाद दोबारा से आपको एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा और आप इस यहाँ पे एग्जाम दे के एडमिशन दे सकते हैं। और अगर मैं आखिरी एक छोटा सा और अगर मैं प्रश्न पूछूं तो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि अभी तक जितने भी बंदे निस्ट से निकले हैं लगभग सभी अपनी स्किल के बेस पे आज अच्छी अच्छी जगह पे खड़े हैं। देखिए निस्ट में ये प्रोग्राम पहली बार करवाया जा रहा है। अच्छा ओके, इससे पहले ये प्रोग्राम हम एएनडीटी में करा चुके हैं। ओके पहुंचते हैं आपके साथ, चलते हैं आपके साथ निस्ट, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी, और करते हैं प्रैक्टिकल। अभी इस वीडियो को इतने रखते हैं क्योंकि कभी ये कैमरा बंद हो रहा है, कभी वो कैमरा बंद हो रहा है, वहां दो भाई लोग खड़े हैं, ये छोटा कैमरा भी पता नहीं काम नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वीडियो कैसा बना है हम लोग को नहीं पता, अभी जाएंगे एडिटिंग करेंगे देखेंगे तब पता चलेगा, पता नहीं कुछ गड़बड़ी हो गई होगी तो फिर से करना पड़ेगा सर। तो कल हम लोग निस्ट पहुंचते हैं और वहां पे अगर इस वीडियो में कुछ छूट गया है तो कल उसको अपन कवर करते हैं सर, और करके भी देखते हैं, सब चीज करके देखेंगे, लैब्स में जाएंगे, आपके लैब अटेंडेंट से बात करेंगे, आपके टीचर से बात करेंगे, क्लासरूम में चलते हैं कल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ मैकेनिकल गुरु फैमिली के साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से भाई लोग को बहुत ही वैल्यूएबल चीजें आपने बताई, शायद ऐसी भी चीजें इस वीडियो में डिस्कस हमने की जो शायद मेरे को भी नहीं पता थी, तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और अच्छी बात है कि आने वाले समय में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं भी उसको बता पाऊंगा, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना सर, आपने मेरे को दिया भले कोई ये वीडियो ना भी देखे लेकिन कोई आके मुझसे पूछेगा तो मैं कम से कम उसको बता तो पाऊंगा कि ऐसा भी होता है मेरे भाई। तो ये सब चीजें मुझे बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, हमारी फैमिली को बताने के लिए सबसे दूसरा नहीं ये तो मेरे से भी पहले होना चाहिए, फैमिली को बताने के लिए सबसे पहले थैंक यू, उसके बाद मेरे को बताने के लिए थैंक यू, और कल तो सर करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों यही थी कुछ चीजें, यही थी कुछ बातें जो इस वीडियो में मैं सर के साथ करना चाहता था, और भी कल बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, नरसों भी आएंगे ना सर, लगातार आएंगे ना, अभी तो निश्चित हाँ, की वीडियो आ सकते हैं आप, बिल्कुल आ सकते हैं, मैं बनाऊंगा 8-10 वीडियो तो आएंगे आएंगे फिर तो, क्योंकि मैं तो लगातार कैमरा ऑन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी लगातार आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले हैं आप, सिविल वाले हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं आप, टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, आईटी वाले हैं, प्रोडक्शन वाले हैं, बीटेक है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, सबके लिए फायदा होगा। बस आपको आपकी मंजिल देखना है, आप
आपको ये जानना है कि आपको क्या स्किल डेवलप करना है, सही बोल रहा हूँ क्या सर मैं? बिल्कुल, आप स्किल डेवलप कर लीजिए नौकरियों का, या फिर मैं ये बोलूं कि नौकरियों की भंडार है, बस आदमी नहीं मिलते लोगों को वो काम करने के लिए, सही आदमी का चुनाव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई लोग, पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते रहते हैं। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।